हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों का बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट होता है, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, उसी का एक टॉपिक है। जो प्लेसेंटा होता है उसमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के लिए हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। लिंक पर ईजिली क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को जो है हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है। तो देयर इज़ मार्क्ड वेरिएशन इन द मॉर्फोलॉजी इंक्लूडिंग साइज, शेप एंड वेट ऑफ द प्लेसेंटा। तो हम कब कंसीडर करेंगे कि जो प्लेसेंटा है वो एबनॉर्मल है? तो यहाँ पर जब उसका एग्जामिनेशन करेंगे प्लेसेंटा का, तो उसकी मॉर्फोलॉजी में, जैसे कि उसका साइज़, शेप या उसके वेट में कोई चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है तो वो एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी। जो प्लेसेंटा का नॉर्मल साइज़ होता है, नॉर्मल शेप होता है और जो नॉर्मल वेट होता है, यदि उसमें हमें कोई भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो उसे हम एबनॉर्मल प्लेसेंटा कंसीडर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एबनॉर्मेलिटी है, दैट इज़ प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है, यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द प्लेसेंटा वेयर वन और मोर ऑफ द लोब्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लेसेंटल बॉडी। यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा के अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो लोब्स में से जो एक लोब्स रहेगा वो आउटसाइड प्रेजेंट होगा। मतलब सपोज़ कि ये जो प्लेसेंटा है और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे राउंड राउंड शेप के कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, अगर ये लोब्स इस प्लेसेंटा के बाहर आउटसाइड प्रेजेंट हो तो उसे प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये जो है प्लेसेंटा है और इसमें यहाँ पर एक लोब जो है ये अलग से दिख रहा होगा आप लोगों को, बाहर की तरफ निकला हुआ। तो यदि ये जो लोब है ये बाहर की तरफ ऐसे इस तरीके से आउटसाइड प्रेजेंट हो तो उसे प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा कहा जाता है। उसके बाद हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलेंगे यदि प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा वाली कंडीशन है। तो पोस्ट पार्टम हेमरेज, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो वुमन रहेगी उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सब इन्वॉल्यूशन, मतलब डिलीवरी के बाद जो है 6 वीक के अंदर जो यूट्रस है वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में जाता है, जिसे इन्वॉल्यूशन कहते हैं, और उसका जो सही टाइम पर वापस से रिवर्ट बैक ना हो पाना कहलाता है सब इन्वॉल्यूशन। तो यहाँ पर सब इन्वॉल्यूशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, यूट्राइन सेप्सिस, यूट्रस में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर पॉलिप फॉर्मेशन, मतलब पॉलिप्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, तो पहले तो हमें डायग्नोसिस करना है कि कोई प्लेसेंटा का लोब मिसिंग तो नहीं है, मिसिंग होके वो यूट्रस में ही रिमेनिंग तो नहीं रह गया है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस में हमें एक्सप्लोर करना है कि प्लेसेंटा का कोई छूटा हुआ जो लोब है वो यूट्रस में तो नहीं छूट गया है। अगर ऐसा है कि हाँ, अगर यूट्रस में ही लोब छूट गया है तो हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ द लोब अंडर जनरल एनेस्थेशिया। उस लोब को हम यूट्रस से रिमूव करेंगे पेशेंट को जनरल एनेस्थेशिया देके। उसके बाद एक और टाइप होता है प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ का, जिसे हम प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कॉरियोलिस बोलते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ सर्कमवेलेट प्लेसेंटा एंड सेकेंड वन इज़ प्लेसेंटा मार्जिनेटा। तो यहाँ पर इसमें जो फर्स्ट है सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, इसे देख लेते हैं। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा इज़ अ प्लेसेंटल मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ इन विच फीटल मेम्ब्रेन्स, कॉरियन एंड एमनियन डबल ऑन द फीटल साइड अराउंड द एडजेस ऑफ द प्लेसेंटा।
सर्कमवैलेट प्लेसेंटा हैज़ अ थिक रिंग ऑफ मेम्ब्रेन. सर्कमवैलेट प्लेसेंटा हैज़ अ थिक रिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑन इट्स फीटल सरफेस. तो जो सर्कमवैलेट प्लेसेंटा होता है ये इस टाइप की मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें जो फीटल की मेम्ब्रेन होती है, एक ओरियन और एमनियन, ये डबल बैक हो जाती है, मतलब डबल कवर कर लेती है फीटल साइड अराउंड द एडजस्ट ऑफ प्लेसेंटा. जो प्लेसेंटा की एडजस्ट रहती हैं उसे कवर कर लेती है. यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो सर्कमवैलेट प्लेसेंटा होता है ये इस टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ होती है कि जो यहाँ पर लेयर्स रहती हैं वो डबल कवर कर लेती हैं. जैसे नॉर्मली जो लेयर हैं वो इस तरीके से कवर नहीं करती है, लेकिन सर्कमवैलेट प्लेसेंटा में डबल फोल्ड हो जाएगा इस लेयर का और इस तरीके से जो है कवर कर लेगी. उसके बाद एक टाइप और होता है, दैट इज़ प्लेसेंटा मार्जिनेटा. प्लेसेंटा मार्जिनेटा वाली कंडीशन में क्या होता है, अ थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट वेयर द फीटल वेसल्स अपीयर्स टू टर्मिनेट. अब इस कंडीशन में क्या होता है कि एक थिन फाइब्रस रिंग जो है वो प्लेसेंटा के मार्जिन में प्रेजेंट रहेगी वेयर द फीटल वेसल्स अपीयर्स टू टर्मिनेट. जहाँ पर फीटल की वेसल्स टर्मिनेट होने वाली रहती हैं, ये भी आप इमेज के थ्रू ही देखकर समझ सकते हैं. यहाँ पर आप देख लीजिए इमेज प्लेसेंटा मार्जिनेटा वाली कंडीशन में क्या होगा, ये जो थिन लेयर रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं थिन लेयर जो है ये कवर रहेगी प्लेसेंटा के एडजस्ट पर. टाइप की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो तीनों आप इमेज में देख सकते हैं. यदि एक लोब बाहर की तरफ इस तरीके से निकल के आ रहा है, दैट इज़ प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा. यदि जो मेम्ब्रेन है वो डबल फोल्ड होकर प्लेसेंटा को इस तरीके से कवर कर रही है तो उसे बोलेंगे सर्कमवैलेट प्लेसेंटा. एंड यदि थिन लेयर जो है जो कि इस तरीके से जो है एडजस्ट पर प्रेजेंट है प्लेसेंटा के, तो उसे प्लेसेंटा मार्जिनेटा कहा जाता है. तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ डिस्कस की हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के लिए, आप वहां पर जाकर और वीडियोस भी देख सकते हैं. थैंक यू.